गुड आफ्टरनून मैम एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक जंगल में भूखा शेर रहता था। वह एक गुफा में रहता था। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पे एक मन्नत कॉलोनी थी। उस मन्नत कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे थे। वह बच्चे एक दिन खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस मन्नत कॉलोनी में एक चोर आ गया। बच्चों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और उसने चोर को पकड़ा और बच्चों को शाबाशी दी। स्टोरी का फल पात्र बच्चे शेर चोर और पुलिस। शुरुआत मन्नत आम की एक कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी के पास एक घना जंगल था जहाँ पे एक भूखा शेर रहता था। एक दिन बच्चों ने देखा कि वहाँ पे एक चोर चोरी कर रहा था। मध्य चोर को देखकर बच्चों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस को देखकर चोर वहाँ से भाग गया और जंगल पहुँच गया। अंत जंगल में पहुँचकर चोर एक गुफा में छुप गया और शेर ने उसे खा लिया। संदेश, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। एक भूखा शेर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भूखा शेर रहता था। वह एक गुफा में रहता था। उससे ही थोड़ी दूरी पर एक मन्नत नाम की कॉलोनी थी। वह उस कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि वहाँ पे कोई चोरी कर रहा है। बच्चों ने तुरंत पुलिस को बताया और पुलिस उसके पीछे भागी और वह चोर भागते भागते उस जंगल में पहुंचा और उस गुफा के अंदर छुप गया। पुलिस भी भागती है उसके पीछे और उसने देखा कि वहाँ पे एक भूखा शेर है। वह चिल्लाया, एक शेर शेर, और वो उसमें से भाग गया। और तभी पुलिस ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे पकड़ लिया। पात्र चोर बच्चे पुलिस और शेर। स्थान जंगल। शुरुआत एक अंधेरे जंगल में एक गुफा में एक शेर रहता था। उस गुफा के पास ही एक मंत्र कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं उन बच्चों को वही गुफा दिखी जिसमें शेर रहता था और उस गुफा में कुछ खजाना भी था। तो वह बच्चे उस गुफा में गए। उनमें से एक बच्चे के पास एक फ़ोन था जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो एक साइरन बजता और पुलिस तुरंत आ जाती। तो जैसे ही वह बच्चे गुफा में गए, शेर उन्हें खाने वाला था। तो साइरन बज गया और पुलिस वहां आ गई। पुलिस ने देखा कि वहाँ एक चोर गुफा के पीछे छुपकर वहाँ सुरंग खोदकर खजाना निकालने जा रहा था। तो पुलिस ने उन बच्चों को बचाया और चोर को पकड़ लिया। उन्होंने शेर को शिकारियों के हवाले कर दिया क्योंकि वह शेर बहुत बुरा था। वह जंगल का राजा बनने के लायक बिल्कुल नहीं था। और पुलिस ने उन बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया और चोर को जेल में डाल दिया।